एवरीवन, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे मैंने अपनी जो डाइनिंग टेबल चेयर्स हैं उनको रिस्टोर किया। अपसाइकिल करने के लिए सबसे पहले इनको थोड़ा सा फिक्स करना था, थोड़ी हिलजुल रही थी, फिर साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इनको मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको पेंट करूँगी, लेकिन पेंट ऐसा करूँगी कि वार्निश वाली लुक आए और थोड़ा पॉलिश वाली लुक आए। तो उसके लिए मैंने पार्ट पेंट और पार्ट जो वार्निश है उसको मिक्स करके इनको पेंट करना शुरू किया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिश हो रही हो। मेरा जो राइट हैंड है वो टेनिस एल्बो से थोड़ा सा बेचारा ख़राब हुआ हुआ है, तो मैंने मोस्टली अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किया, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग टास्क थी, लेकिन फिर भी हो गया। और इसको पेंट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिश हुई होती है। आप इसकी फाइनल लुक देख रहे हैं। ये बाकी दूसरी चेयर्स हैं जो डिफरेंट डिज़ाइन की थी, ये भी काफ़ी पुरानी चेयर्स हैं, इनको भी मैंने पेंट कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है जिस पर ग्लास रखते हैं डाइनिंग टेबल का, उसके भी हालात आप देख सकते हैं, फिर इसको भी मैंने उसी तरीके से पेंट कर लिया। इसके पेंट करने के बाद बारी आई कि अपहोल्स्ट्री के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ कर। ये फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइंस देखने के बाद एक बहुत मज़े का डिज़ाइन मिल गया जो कि मैं चाह रही थी। इनको रिस्टोर करने से पहले ही मैंने मेरे दिमाग में कुछ इस किस्म का डिज़ाइन था, तो लकीली मुझे मिल भी गया और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, ठीक था और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। इसको मैंने जो है मेजर करने के बाद हर सीट के अकॉर्डिंगली कट कर लिया, और कट करने के बाद जो है आप देख रहे हैं हालात घर के क्या हुए हैं जब हम इनकी अपहोल्स्ट्री कर रहे थे। और इसके बाद ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं इन चेयर्स की और इस डाइनिंग टेबल की। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये फर्नीचर जो है हमने अपसाइकिल किया उसके। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं पसंद आया या नहीं आया। आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो रेस्टोरेशन से पहले की वीडियो पिक्चर और उसके बाद की जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी वीडियो आप देखेंगे। इसको मैं फ़िक्स कर रही हूँ इन चीज़ों के ऊपर और ये है फाइनल।